आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। खबर आगरा से है, जहां शहीद दिवस के मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आगरा के अध्यक्ष शैलू पंडित के नेतृत्व में आगरा के शहीद स्मारक में स्वच्छता अभियान चलाया और शहीदों की मूर्तियों की साफ सफाई करके माल्यार्पण करके देश पर बलिदान हुए शहीदों को याद किया गया। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय प्रांशु दत्त द्विवेदी जी के नेतृत्व में प्रत्येक जिले की इकाई में स्वच्छता का अभियान चला रहा है। चूँकि लोग सभी लोग जानते हैं 23 मार्च 1931 को इस देश के वीर जवान भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने हंसते हंसते अपने प्राण नछावर कर दिए भारत माता की आज़ादी के लिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा, इस भारत माता को आज़ाद कराने के लिए 7 लाख से नौजवान ज़्यादा खेत हो गए, बलिदान हो गए। आज उनकी आज़ादी के रूप में हम लोग ये उनकी शहादत मना रहे हैं। आज 23 मार्च शहीद दिवस संजय पैलेस स्थित भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आज मना रहे हैं। 23 मार्च 1931 वह दिन था जिस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी की सज़ा सुनाई गई। ये वे वीर सपूत थे जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा और आज जिस आज़ादी में जिस हम सांसें ले रहे हैं, ये आज उन्हीं के दिन है। मैं ऐसे वीर शहीदों के चरणों में नमन करता हूं और इस अवसर पर हम लोगों ने आज वीर शहीद यहाँ स्वच्छता अभियान एक चलाया है। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सभी मूर्तियों को हमने साफ कर यहाँ एक सफाई अभियान चलाया है। हमारे साथ हमारे ब्लॉक क्षेत्र के अध्यक्ष भाई मनीष गौतम जी, सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अवैध रूप से निर्मित शराब कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। वहीं बिजनौर में आबकारी पुलिस टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई में एक अभियुक्त को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार हुए अभियुक्त के पास से पुलिस ने अवैध शराब 22,574 ढक्कन बरामद किए। अवैध शराब के कारोबार में आरोपी की पत्नी का भी नाम सामने आया है। गिरफ्तार हुए अभियुक्त ने पूछताछ में बताया है कि वो अपनी पत्नी के साथ नकली ढक्कन और QR कोड के इस्तेमाल से नकली शराब को तैयार कर स्थान बदल बदल कर बोतलों में भर कर विभिन्न स्थानों पर बेचते हैं और सप्लाई करते थे, जिसमें उन्हें मोटा मुनाफा होता था। नूरपुर में कस्बे में ही कबीर नगर मोहल्ले में एक व्यक्ति पकड़ा गया, रिंकू शर्मा नाम से, जो अपने घर में ही अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ नकली शराब बनाना और ब्रांडेड शराब का उसमें अमली जामा देना, इसमें करीब 22,000 से ज़्यादा ढक्कन, जिसमें सर सादी लाल डिस्टिलरी के, मेक डबल ब्रांड के, इंपीरियल ब्लू के, रॉयल स्टॉक के एवं QR कोड के 4,090 QR कोड बरामद हुए हैं। अभी सिर्फ एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, 3 की तलाश जारी है। इनके खिलाफ गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट एवं 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। खबर फरीदाबाद से है, जहां हत्या की रंजिश के चलते दिन दहाड़े घर में घुसकर एक सुपारी किलर ने युवक को गोली मार दी। गोली लगने से मौके पर युवक की मौत हो गई। वहीं 2 लोग गोली लगने से गंभीर हालत में उपचाराधीन है। बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू की है। मारने वाला का तो पता नहीं है, पैर में लगी, राइट पैर में, घुटने के ऊपर। तो कहां पर लगी आप किस लिए गए थे? एक मकान बन रहा था, वह जानने वाले का मकान के चक्कर में गए थे। मैं सिविल इंजीनियर हूँ। अच्छा, तो मकान चेक करने गए थे, क्या काम चल रहा है। तो हमलावर कितने लोग थे? सर कुछ नहीं देख पाए, हम एक कमरे में बंद थे, उन्होंने आके सीधा गोलीबारी करके और चले भाग गए। तो आपके कितने लोगों के गोली लगी? 3 लोग। 3 के? किस किस के? एक जसवीर है दीघोट से, जयवीर चेची है मीरपुर कोराली से। तो जसवीर की कितनी गोलियां लगी हैं? जसवीर को 4-5 गोली लगी। कल डिगोट के अंदर गोली चली थी जिसमें 3 लोग घायल हुए थे, जिसमें से एक जसवीर को कई गोलियां लगी थी जिसकी मौत हो चुकी है और इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके
सलाह कमेटी से भेजा जाएगा। खबर फरीदाबाद से है, जहां पलवल के गांव मंडकोला में पानी का पाइप लगाने को लेकर विवाद हो गया और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि गांव निवासी प्रवीण बलवीर, सौरव और धर्मवती ने एक व्यक्ति को लाठी डंडों से इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। बता दें कि हथीन थाना पुलिस ने मामले में मृतक के बेटे की शिकायत पर चार लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। जो नाली है लाइनें हैं उनके ऊपर अपने पड़ोसियों से झगड़ा हो गया था और उसमें इनके पड़ोसियों परवीन है और उनके परिवार के उनकी माँ है और सौरभ है उसका भाई, इन्होंने उनके साथ झगड़ा किया जिसके कारण इनको एडमिट, इसके पिताजी को राजकुमार को यहाँ एटलस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और जिसके दौरान इलाज आज मृत्यु हो गई। खबर गाजीपुर से, जहां एमएलसी चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी विशाल सिंह चंचल की राह आसान नजर आ रही है। एमएलसी चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी विशाल सिंह चंचल का मुकाबला कर रहे सपा प्रत्याशी भोलानाथ शुक्ला ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। गाजीपुर में एमएलसी चुनाव लड़ रहे निर्दल प्रत्याशी देवेंद्र ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया है। अब गाजीपुर एमएलसी चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी विशाल सिंह चंचल के मुकाबले महज एक निर्दलीय प्रत्याशी मदन यादव ही मैदान में है। फिलहाल एमएलसी चुनाव में नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 24 मार्च निर्धारित है और गाजीपुर एमएलसी चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी विशाल सिंह चंचल और निर्दल प्रत्याशी मदन यादव मैदान में हैं। खबर गाजियाबाद से है, जहां कवि नगर थाना क्षेत्र के एक गोल्ड फाइनेंस शॉप पर दंदहाड़े बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। गोल्ड फाइनेंस शॉप शहर के सबसे पॉश और व्यस्त इलाके में से है। बता दें कि बदमाश लगभग 4,80,000 कैश और 5,80,000 का सोना लूट कर ले गए। ये आरडीसी क्षेत्र में यहाँ पे ये शॉप है 24 कैरेट, ये गोल्ड को जो है पुराने गोल्ड को खरीदना और बेचना या ब्याज पे लेने वाला काम करते हैं। तो इनके द्वारा ये सूचना दी गई है, तकरीबन 3:15 बजे के आसपास दो लोग आए थे जिन्होंने बलपूर्वक इनसे चाबी ली और अलमारी में जो भी वैल्यूबल्स रखे थे वो उसको लेके फरार हो गए। अराउंड 5.8 लाख से करीब का कैश है और लगभग गोल्ड है और 4.5 के आसपास कैश है, 9 से 10 लाख के बीच का करीब बता रहे हैं। बाकी हमें कुछ क्लिक्स मिल गए हैं और टीमें इस पे हम लोगों ने लगा दी गई हैं, FIR दर्ज की जा रही है और शीघ्र ही इसको पकड़ने का और रिकवरी का प्रयास किया जाएगा। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर MP MLA FTC कोर्ट ने अवैध हथियार मामले में फैसला सुनाया। निवर्तमान MLC अक्षय प्रताप को दोषी मानते हुए 7 वर्ष की सजा सुनाई गई और साथ ही 10,000 का जुर्माना भी लगाया गया। बता दें कि इससे पहले 15 मार्च को कोर्ट ने अक्षय को सजा सुनाते हुए जेल भेजने के लिए निर्देश दिया। सुनाई के वक्त अक्षय प्रताप ने के साथ राजा भैया भी मौजूद थे। वहीं MLC चुनाव से पहले जन सत्ता दल को बहुत बड़ा झटका लगा है। श्रावस्ती जनपद में आज जिला अधिकारी नेहा प्रकाश ने संयुक्त जिला हॉस्पिटल भिंगा में पहुंचकर नीति आयोग के फंड से SNCU के नवीनीकरण का फीता काटकर, आपको बता दें कि जिले में प्रसव केंद्र बाद बीमार पड़ने वाले नवजात शिशु के उपचार के लिए अब परिजनों को नहीं भटकना पड़ेगा। शिशु को जिला अस्पताल में बेहतर उपचार देने के लिए नया SNCU वार्ड का शुभारंभ किया गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी ने रिबन काटकर इस आधुनिक चिकित्सा वार्ड का उद्घाटन किया है। एक्सटेंशन किया गया है यहाँ जिला चिकित्सालय श्रावस्ती और इसी का आज यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। इसको नीति आयोग के फंड से किया गया है और जो नया SNCU का वार्ड है, एक्सटेंडेड वार्ड, इसमें ऑक्सीजन की पूरी पाइपलाइन की व्यवस्था है और जो लेटेस्ट मशीन है वो यहाँ पर अवेलेबल है, फोटोथेरेपी युक्त मशीनें हैं। तो आशा करती हूँ कि इससे हमारी जो कैपेसिटी है SNCU की वो इंक्रीज हो जाएगी और जनपद के जो छोटे नवजात शिशु होते हैं उनको इसका लाभ। RSS के सर संघ संचालक मोहन भागवत गाजीपुर के सिद्धपीठ हथियाराम मठ पहुंचे, जहां उन्होंने 850 साल पूर्व से विराजमान बुढ़िया माई का मत्था टेका और विधिवत पूजन अर्चन किया। इससे पश्चात मठ परिसर के अंदर स्थित अन्य मंदिरों में भी पूजा किया। इस दौरान कन्याओं के द्वारा जय श्री राम के नारे का उद्घोष कर उनका स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम की स्वागत के लिए वाराणसी घराने के शहनाई वादक ओने अपने शहनाई
से कई तरह के धुन छोड़कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान मोहन भागवत ने मठ परिसर के अंदर ध्वज पूजन भी किया। दुनिया के किसी भी जन को, देश को पीड़ित नहीं किया। अगर दुनिया भर में गए कि दुनिया को एक कुटुंब बनाया, ऐसा हमारा देश, उसके हम नागरिक हैं, उस देश के हम पुत्र हैं, इसलिए आपस में सहोदर भाई हैं, हम एक दूसरे के भाई लगते हैं। अनेक प्रकार है, जाति पाति है, पंथ भाषा संप्रदाय है, बहुत सारी बातें हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सर।